Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq, Future Perfect. Today we are going to learn Future Perfect. We use Future Perfect to say that something will have been done, complete or finished at the particular time in future. Hum Future Perfect ka jab istemal karte hain, jab koi cheez mustaqbil mein khatam ho rahi ho, मुस्तकबिल में एक मखसूस टाइम में कोई चीज़ ख़त्म हो रही हो तो हम उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा सब्जेक्ट के फौरन बाद विल हैव आना चाहिए और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ऑल द गेस्ट विल हैव अराइव टिल दिस इवनिंग। तमाम मेहमान शाम तक पहुंच जाएंगे। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन टिल नेक्स्ट ईयर। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन टिल नेक्स्ट ईयर। वो लोग अपना ग्रेजुएशन अगले साल तक ख़त्म कर लेंगे। आने वाला साल उनका आखिरी साल है तो हम कह सकते हैं कि वो लोग अगले साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे। Police will have caught the murderer within this week. इस हफ्ते तक पुलिस वाले कातिलों को पकड़ लेंगे। इस हफ्ते के अंदर पुलिस वाले कातिलों को पकड़ लेंगे। Next है they will have gone before you got there. They will have gone before you get there. या तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले वो लोग जा चुके होंगे। तुम्हारे पहुंचने से पहले वो लोग जा चुके होंगे। माय मॉम विल हैव टॉक्ड टू माय फादर अबाउट गोइंग अब्रॉड टिल टुमारो। माय मॉम विल हैव टॉक्ड टू माय फादर अबाउट माय गोइंग अब्रॉड टिल टुमारो। मेरे मुल्क से बाहर जाने की मेरी अम्मी मेरे अब्बू से बात करेंगी कल। यानी मैं बाहर जाना चाहता हूँ मुल्क के, तो मेरी अम्मी इस बारे में मेरे अब्बू से कल बात करेंगी। नाउ लेट्स कंपेयर विल हैव डन विद अदर परफेक्ट फॉर्म्स। अब हम कंपेयर करेंगे उन जुमलों को, जैसे परफेक्ट का एक जुमला हो फ्यूचर परफेक्ट को दूसरे परफेक्ट से मैच करेंगे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, इससे मैच करेंगे कि इनमें और उनमें क्या फ़र्क है। सही है। सारा एंड जॉन हैव बीन मैरिड फॉर 24 years। सारा एंड जॉन हैव बीन मैरिड फॉर 24 years। सारा और जॉन को शादी किए हुए 24 साल हो चुके हैं। देखिए जो मुस्तकबिल का था वो आने वाली बात कर रहा था कि एक पार्टिकुलर टाइम में ये काम होना था। यहाँ पे क्या है, कोई काम हो रहा है अब तक, क्योंकि जॉन सारा और जॉन की शादी को पूरे 24 साल हो गए और अब भी वो शादीशुदा है, तो क्या कहेंगे, सारा एंड जॉन हैव बीन मैरिड फॉर 24 years। ओके, नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बीन मैरिड फॉर 25 years। अगर इसी जुमले को हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। वहाँ हम कह रहे थे कि उनको शादी किए हुए 24 साल हो गए हैं, तो अगर हम उसको बताएं कि अगले साल वो कितना शादी को उनकी साल हो जाएगा तो कैसे बताएंगे। हमें पता है अगले अभी वो शादीशुदा है, अभी 24 साल हो गए हैं। नेक्स्ट ईयर यानी नेक्स्ट जो साल आएगा उसमें वो कितने साल हो जाएंगे उनकी शादी को, तो कैसे कहेंगे, नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बीन मैरिड फॉर 25 years। नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बीन मैरिड फॉर 25 years। अगले साल उनकी शादी को 25 साल हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट। व्हेन देयर सन वाज बॉर्न दे हैड बीन मैरिड फॉर 3 years। ये कब इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि
माजी से पहले वाला माजी जो होता है, अब ये कन्फ्यूजन होगी आपको, माजी से पहले वाला माजी कौन सा होता है, माजी में ही माजी की बात की जा रही हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये जुमला देखें, व्हेन देयर सन वॉज बॉर्न, ये पास्ट है कि जब उनका बेटा पैदा हुआ था। तो उनकी शादी को कितने साल हुए थे, कोई पूछे जब उनकी उनका बेटा पैदा हुआ था उनकी शादी को कितने साल हो चुके थे, तो व्हेन देयर सन वॉज बॉर्न, जब उनका बेटा पैदा हुआ था, दे हैड बीन मैरिड फॉर 3 years, तो उस वक्त उनकी शादी को सिर्फ और सिर्फ 3 साल हुए थे। सिंपल है, व्हेन देयर सन वॉज बॉर्न दे हैड बीन मैरिड फॉर 3 years, जब उनका बेटा पैदा हुआ था तो उनकी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। नाउ देखिए, टेंसेस को समझना एक अलग चीज़ है और टेंसेस की प्रैक्टिस करना एक अलग चीज़ है और ग्रामर को हल करना एक अलग चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से ऐसे जुमले होंगे जिनको आपने फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना होगा। तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के फौरन बाद विल हैव लगाना है, याद रहेगी ये बात। In a fortnight's time, we take our exam. How to convert this? जिसमें bracket होता है उसकी जगह हम will have और bracket वाली जो form होती है उसको third form में तब्दील कर देते हैं। For example, in a fortnight's we will have taken our exam. Next देखते हैं। I finish this book by tomorrow evening. हम ब्रैकेट को हटाएंगे और विल हैव लगा के थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। I will have finished this book by tomorrow evening. By this time tomorrow we have our injections. इसमें भी क्या होगा, हम हैव की जगह क्या कर देंगे, विल हैव हैड। विल हैव तो लाजमी लगेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव लाजमी लगना है। सिर्फ क्या होगा, हैव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड। ओके, बाय दिस टाइम टुमारो वी विल हैव हैड आवर इंजेक्शंस, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आई बी हियर 25 years। क्या, जब भी बी लगता है याद रखिए, बी का मतलब होता है स्टेट फॉर्म, स्टेट वर्ब, और स्टेट वर्ब के लिए लाजमी आपने बीन लगाना होता है। बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है, सही है, याद रहेगा ये बात। जब भी बी लगा होगा तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, बीन में, और उससे पहले विल हैव लाजमी लगाएंगे। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन हियर 25 years. पांचवा है, I'll still be here next summer, but Tom leave. Leave की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और will have का इस्तेमाल होगा। I'll still be here next summer, but Tom will have left. I finish this job in 20 minutes. Finish से पहले have भी will have लगाएंगे और finish की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। I will have finished this job in 20 minutes. By next winter, they build 4 houses in that field. इसमें क्या होगा, बिल्ड की थर्ड फॉर्म लगेगी और विल हैव इस्तेमाल होगा। बाय नेक्स्ट विंटर दे विल हैव बिल्ड 4 houses इन दैट फील्ड। ये था आज का सबक, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और इस तरह के जुमले अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाके पूरे 35 या 40 ऐसे जुमले हैं जिनको मैंने कन्वर्ट किया है फ्यूचर परफेक्ट में, गलत को सही किया है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, ताकि आप प्रैक्टिस देख सकें। अब बाकी आप कोशिश कीजिएगा, देखिएगा, मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि आप उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह कन्वर्ट किया हुआ है, या तो
आंसर ना देखें, पहले सवाल को देखें, फिर खुद कन्वर्ट करें और फिर आंसर देखें, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।